अपराध मत करो अमित शाह जी के कहने पे, आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और हम लोग करेंगे। तो इसलिए पीसफुल ढंग से, ये लोग सब जिम्मेदार लोग हैं, देश के मालिक हैं, पीसफुल ढंग से हम जाएंगे और अपनी आवाज पेपर बैलेट के लिए बुलंद करेंगे। मोदी जी किसानों को मार रहे हैं, मोदी जी नौजवानों को मार रहे हैं, मोदी जी हर एक देश के गरीब किसान मजदूर, हर एक संविधानवादी व्यक्ति को, हर एक भारत से प्यार करने वाले व्यक्ति को, सैनिकों को, सबको मार क्यों रहे हैं और किस हौसले से मार रहे हैं? ईवीएम से चुनाव देर से होता है, ईवीएम से चुनाव में खतरा ही खतरा है, ईवीएम से चुनाव ज्यादा पैसे खर्च करके होता है और आज भी जो भारत देश का कानून है वो ईवीएम से चुनाव करने के लिए नहीं कहता है। ये क्यों डर बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जनता के वोटों से, किसानों के वोटों से, नौजवानों के वोटों से, बेरोजगारों के वोटों से या किसी भी व्यक्ति के वोट से जीतते ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को, आप लोगों ने देखा ना, कान पकड़ के निकाल दिया। इसीलिए ईडी, सीबीआई और ये इनकम टैक्स का प्रयोग आंखें बंद करके क्रिमिनल्स की तरह करा रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जनता नाराज होगी तो क्या करेगी, मुझे तो जनता के वोट ही नहीं चाहिए। ये गंदे घिनौने काम करके भी मोदी जी इस चीज का हौसला है ईवीएम का। तो साथियों, अगर हम लोग ईवीएम हटा लेंगे, पिछले चुनाव में भी 20-25% तक ईवीएम का घोटाला इन्होंने किया है और अब भी कम से कम 20-25% का घोटाला करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। आज सभी लोग हैरान इस बात से हैं, पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं सिर्फ, कि मोदी जी किसानों को मार रहे हैं, मोदी जी नौजवानों को मार रहे हैं, मोदी जी हर एक देश के गरीब किसान मजदूर, हर एक संविधानवादी व्यक्ति को, हर एक भारत से प्यार करने वाले व्यक्ति को, सैनिकों को, सबको मार क्यों रहे हैं और किस हौसले से मार रहे हैं? क्या इन्हें कोई डर नहीं है? ये बात साथियों बिल्कुल सही है, इन्हें क्यों ही डर बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जनता के वोटों से, किसानों के वोटों से, नौजवानों के वोटों से, बेरोजगारों के वोटों से या किसी भी व्यक्ति के वोट से जीतते ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को, आप लोगों ने देखा ना, कान पकड़ के निकाल दिया। यशोधरा, ये विजय राजे सिंधिया को, शिवराज सिंह चौहान को, रमन सिंह को और दूसरे भी बड़े बड़े नेताओं को, और वो बेचारे कुछ चूं भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने उन्हें कहा कि भाई मैं तुम्हारे कहने से, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी चीज से तो जीतता नहीं हूं, मैं तो ईवीएम से जीतता हूं। इसीलिए ईडी, सीबीआई और ये इनकम टैक्स का प्रयोग आंखें बंद करके क्रिमिनल्स की तरह करा रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जनता नाराज होगी तो क्या करेगी, मुझे तो जनता के वोट ही नहीं चाहिए। ये सभी 4,000 किलोमीटर जो सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्हीं के नेता बोलते हैं ना, मोदी जी ने चाइना से डर के, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी उनके बहुत बड़े नेता बोल रहे हैं, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ पिटीशन डाली थी, वो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी चाइना से डरते हैं और 4,000 किलोमीटर जगह उन्होंने चाइना को दे दी है, फौज को रोक रहे हैं कि तुम उसको वापस मत, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये गंदे घिनौने काम करके भी मोदी जी किस चीज का हौसला है ईवीएम का। तो साथियों, अगर हम लोग ईवीएम हटा लेंगे, पिछले चुनाव में भी 20-25% तक ईवीएम का घोटाला इन्होंने किया है और अब भी कम से कम 20-25% का घोटाला करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। तो बेसिक बात यह है कि ईवीएम, और हम लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया वो हमने नहीं किया, हमसे पहले उदित राज जी ने शुरू किया, भानु प्रताप जी ने किया, मेशराम साहब ने किया, खुद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया, खुद मोदी जी ने किया और खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ने किया, अडवाणी जी ने किया। क्यों? क्योंकि एक ये ऐसा हथियार है जिससे चोरी और बेईमानी इलेक्शन में हो सकती है, लेकिन अब जब ये हथियार इनके हाथ में आ गया है तो ये जान दे देंगे, जाने नहीं देंगे इसे। वजह क्या है कि पूरी दुनिया ये जानती है, सारे संविधानिक अदालतें दुनिया भर की सारी संविधानिक अदालतें ये फैसला कर चुकी हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। दुनिया भर की सारी संविधानिक अदालतें, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हमारे अदालतों के ऊपर 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उसके अलावा बहुत सारे जजेस, चीफ जस्टिसेस, ये पब्लिक डोमेन में आके बोल चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव है और हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता आए और हमें बचाए। अभी 2 अच्छे फैसले आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से देखे, वो क्यों है? क्योंकि जनता सड़कों पे आ चुकी है और वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो,
हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आपको इससे भी अच्छा न्याय चाहिए अदालतों से, तो जनता को सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि जनता देश की मालिक है। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी सभी लोग, आईएएस ऑफिसर, सब हमारे और आपके देश की जनता के नौकर। ईवीएम से चुनाव देर से होता है, ये मैं पूरी तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। कानूनी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ईवीएम से चुनाव देर से होता है, ईवीएम से चुनाव में खतरा ही खतरा है, ईवीएम से चुनाव ज्यादा पैसे खर्च करके होता है। और आज भी जो भारत देश का कानून है वो ईवीएम से चुनाव करने के लिए नहीं कहता है। तो भाई ये बातें फैलाई जा रही है ना कि कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी, कोई कानून में तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी, चेंज नहीं करना पड़ेगा। चुनाव का जो कानून है देश का, वो आज भी ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होगा आज भी। और अगर किसी वजह से कहीं चुनाव पेपर बैलेट से नहीं कर सकते, तब ईवीएम से चुनाव होगा। तो ये भ्रांति जो फैलाई जा रही है आरएसएस और बीजेपी और उनके जो जेब से इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए गए हैं, इससे आप दूर हो जाएं। हम लोग वकील हैं, हम ये चैलेंज दे चुके हैं, हमसे कोई बात करने आता ही नहीं है इस बार। तो पेपर बैलेट से चुनाव सस्ता है, पेपर बैलेट से चुनाव ज्यादा सुरक्षित है, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। तो ये बात साफ है, किसी को कोई शक है तो वो आके हमसे डिबेट कर सकता है। तो एक तो अपने मन में ये बात साफ रखिए। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमसे बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं ज्वाइन कर रही आप। उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है, बिल्कुल, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से ओपोनेंट्स होती हैं आरएसएस और बीजेपी की। तो उनके ऊपर इल्जाम ये लगाना बहुत आसान होता है, तुम इलेक्शन हार गए तो इसलिए ये काम कर रहे हो। लेकिन देश की जनता ने, जिन देश की जनता ने खड़े होकर, जब ये जो अभी स्टेट असेंबली के चुनाव हुए हैं, देश की जनता ने खड़े होकर हम जैसे ईमानदार नौकरों की ड्यूटी लगाई कि आप लोग आगे बढ़ो। पॉलिटिकल पार्टीज भी तो जनता से ही बनती हैं, वो भी आपके पीछे आएंगे। तो अब आप लोग देख रहे हैं, हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का भी, और जो भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं है, वो धीरे धीरे करके सामने आ रही है, क्योंकि जनता उन्हें मजबूर कर रही है सामने आने के लिए। और इस बात को अब उन्हें कहने में कोई शक और शुबा पहले भी नहीं था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, कि ईवीएम में घपला ही घपला है और पेपर बैलेट सुरक्षित है। लेकिन ये अब धन्यवाद के लायक है। और मैं उदित राज जी का, दिग्विजय सिंह जी यहाँ हमारे बैठे हैं, लवली जी बैठे हैं, कांग्रेस के बड़े दूसरे नेता और हमारे किसान नेता बावरिया जी भी बैठे हैं, सीपीआईएम के भट्टाचार्य जी बैठे हैं। तो हम लोगों को कितना हौसला मिला है, देश की जनता को कितना हौसला मिला है आप लोगों के सामने आने से, शायद आप इसकी अभी वैल्यू समझ नहीं पा रहे हो। आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि अब यह आंदोलन जो हम लोग वादा कर रहे हैं ना, देश की जनता जो कह रही है ईवीएम से चुनाव किसी हालत में नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। मेरे साथ यहाँ डॉक्टर रितु और आशुतोष भी आए हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े आंदोलन को लीड कर रहे हैं। 26 तारीख को इनका भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। और आखिरी बात मैं पुलिस के हमारे कर्मियों से कहना चाहता हूँ कि 25 तारीख को, आज तो है ही, अगर आप हमें रोकोगे जाने से तो ये अपराध करोगे कानूनी। मैं आपको ये कानूनी सलाह दे रहा हूँ, रोकोगे तो अपराध करोगे, अपराध मत करो अमित शाह जी के कहने पे। आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और हम लोग करेंगे। तो इसलिए पीसफुल ढंग से, ये लोग सब जिम्मेदार लोग हैं, देश के मालिक हैं, पीसफुल ढंग से हम जाएंगे और अपनी आवाज पेपर बैलेट के लिए बुलंद करेंगे। अभी मुझे, मैं वापस आऊंगा, मुझे वो डॉक्टर रितु का जो एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उसका केस आज आरएसएस ने लगाया है कि ये आंदोलन भी बंद करना चाहिए और पुलिस जितनी हमारे साथ ज्यादती कर रही है उससे और ज्यादा ज्यादती करनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोर्ट में पिटीशन लगा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वो केस करके मैं वापस आ रहा हूँ, मुश्किल से आधे पौने घंटे में वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे अब टॉर्च बियरर्स बन गए हो। हम सब देश की जनता आपके नेतृत्व में, सबके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी। आप लोग आगे बढ़ो, देश की जनता साथ है। ये आपकी लड़ाई नहीं है, देश की जनता की लड़ाई है, देश की लड़ाई के। बहुत बहुत शुक्रिया।